दोस्तों, जो आपका पीसी या लैपटॉप होता है उसमें जो सी ड्राइव या डिस्क होती है वो अधिकतर टाइम जो है फुल हो जाती है, तो ये इशू अक्सर आता रहता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप उसका जो स्पेस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। चाहे तो आप डिस्क को खाली भी कर सकते हैं, जैसे उसमें डाउनलोड फाइल्स होती है उसे कुछ डिलीट करके, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आपको बिना रिबूट किए अपने चलते हुए कंप्यूटर में कैसे आप उसका डिस्क का जो साइज है उसको बढ़ा सकते हैं हम देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखते रहिएगा, आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे, इशू नहीं आएगा, टोटली काम करता है ये, बहुत ही आसान है ये, आप खुद ही कर सकते हैं 2 मिनट में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं विजय राज टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए देख लेते हैं स्क्रीन में। सो गाइज, आप यहां पर देख सकते हैं लोकल डिस्क सी, इस ड्राइव में जो टोटल स्पेस है 97.5 GB है और जो फ्री बची हुई है 3.27 GB फ्री बची है। और यहां राइट साइड में आप देख सकते हैं लोकल डिस्क डी, इसमें 292 GB है। तो इसमें से हम 100 GB जो है सी ड्राइव या डिस्क में ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना है दिस पीसी या माई पीसी इस ऑप्शन पर और राइट क्लिक करना है। और यहां पर आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको यहां पर सिंपली मैनेज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं इस मैनेज के ऑप्शन पे आपको सिंपल क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहां पर कंप्यूटर मैनेजमेंट का आपको देखने को मिलेगा। आप यहां पर लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन देख सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करना है। प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डी ड्राइव देख सकते हैं 292 GB टोटल स्पेस है और इसी में से हम 100 GB निकालेंगे। तो सिंपली राइट क्लिक करना है आपको और श्रिंक वॉल्यूम का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। एंटर दी अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB, यानी जितनी भी GB आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं उसको MB में कन्वर्ट कर लेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो 1 GB होता है उसमें 1024 MB होता है, तो जितना भी आप GB यहाँ पर बढ़ाना चाह रहे हैं उसको MB में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पर एंटर कर लेंगे, फिल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे गूगल में GB to MB और सर्च कर लेंगे। और यहाँ पर आपको GB फिल करना है, जैसे 3 GB उसमें यहाँ पे 3000 MB मोटा मोटा हिसाब यहाँ पर आपको शो होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम 100 GB को MB में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 lakh MB इसके जो है आसपास आपको बता देगा। सिंपली इसे कॉपी कर लेंगे या फिर टाइप कर लेंगे और यहाँ पर इसे एंटर कर लेना, या फिर यहाँ पे हमने जो कॉपी किया है उसे उस MB को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और सिंपली यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है श्रिंक का, इस पर क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी ड्राइव्स दी हुई है, सी डी और ई और एफ ड्राइव, और आप यहाँ पर देखेंगे 97.6 GB अनअलोकेटेड, ये यहाँ पे स्पेस हमने जो श्रिंक किया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हम सी ड्राइव में ऐड करना चाहते हैं। सो गाइस, अब क्या करना है कि आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कर लेना है। आप गूगल में टाइप करेंगे मिनी टूल और सर्च कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको इस टूल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली यहाँ पे हम डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे फ्री डाउनलोड इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है और इस पर शो इन फोल्डर करेंगे और यहाँ पे सिंपली इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, यस करेंगे, यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करके यहाँ पर जो चेकबॉक्स है इस पर टिक करके नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे ये इंस्टॉल होने लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर देना है आपको और यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ये सॉफ्टवेयर है यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पे इसे क्लोज कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सी ड्राइव, इस पर जाइए और राइट क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्सटेंड का ऑप्शन। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 97.66 GB, ये वाली जगह अभी जो है अनलोकेटेड है, यानी कि ये जगह अभी हमने ली हुई है जो कि फ्री है। तो सिंपली यहाँ पे सी ड्राइव पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक्सटेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा टेक फ्री स्पेस फ्रॉम, कहाँ से आप जो है फ्री स्पेस लेना चाहते हैं। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 97.66 GB अनलोकेटेड वाली ये जो स्पेस है जो हमने लिया हुआ था उस पर क्लिक कर लेना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको पूछा जाएगा नीचे हाउ मच फ्री स्पेस डू यू वांट टू टेक, कितना स्पेस आप लेना चाहते हैं, कितना फ्री स्पेस आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ जो ब्लू कलर का ये ऑप्शन देखना है आपको 48.83 GB, इसे आप यहाँ पर बढ़ाकर भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू साइज़ ऑफ सी ड्राइव कितना आपका है अभी करंट में स्पेस और बढ़कर कितना हो जाएगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप ले सकते हैं, मैं चाहूँगा कि आप चाहे तो पूरी भी ले सकते हैं जितना आपने अनलोकेटेड किया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली ओके कर लेंगे और यहाँ पे लेफ्ट साइड में अप्लाई का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर सिंपली अप्लाई कर देना है आपको। और यहाँ पे अप्लाई चेंजेस यहाँ पे कंफर्म कर लेना है यस पे क्लिक करके। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमाइज नहीं करना है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या ये बढ़ चुका है स्पेस। तो सिंपली दिस पीसी में जाएंगे, इसे ओपन करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकल डिस्क सी, यहाँ पे इसकी जो स्पेस है वो यहाँ पे बढ़ चुकी है, जितना हम बढ़ाना चाहते थे उतनी बढ़ चुकी है। चाहे तो आप और ज़्यादा भी बढ़ा सकते थे अपने हिसाब से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह बिना रिबूट किए या बिना फॉर्मेट के अपने पीसी या लैपटॉप के किसी भी ड्राइव का स्पेस जो है घटा या बढ़ा सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो यार लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लाते रहते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।